नमस्कार, डेली डायरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। नोएडा के सेक्टर 18 स्थित डीएलएफ मॉल के वॉशरूम में सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां वॉशरूम के भीतर नोडो की गड्डियां बरामद की गई हैं, जिसके बाद यहां हड़कंप मच गया। मामले की जांच करने जब पुलिस वॉशरूम में पहुंची तो वो दंग रह गई। आखिर कैसे इतनी नोटों की गड्डियां मॉल के भीतर वॉशरूम में आई और इसे क्यों किसने यहां फेंक दिया? घटना के सामने आने के बाद पुलिस मॉल के अंदर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की पड़ताल कर रही है। दरअसल डीएलएफ मॉल दिल्ली एनसीआर के सबसे बड़े मॉल में से एक है। यहाँ कई अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के शोरूम हैं। यहाँ लोगों की भारी भीड़ हमेशा रहती है। ऐसे में मॉल की भीड़ के बीच एक महिला ने वॉशरूम के भीतर रखे डस्टबिन में नोडो की गड्डियों से भरा बैग फेंक दिया, जिसके बाद पूरे मॉल में सनसनी मच गई। जानकारी के अनुसार एक महिला ने मॉल के डस्टबिन में ये पैसा फेंका है। ये तमाम पुराने 1000 और 500 रुपए के नोट है, जिन्हें नोटबंदी के बाद बंद कर दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज में दिखी महिला, पुलिस को इस बात पर शक है कि वॉशरूम के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में एक महिला की फोटो आई है, जिसके हाथ में बैग है। ऐसे में शक है कि इस महिला ने नोटों की गड्डियां यहां छोड़ी हैं। कैमरे में देखा जा सकता है कि महिला जब वॉशरूम जाती है तो उसके पास बैग होता है, लेकिन जब बाहर आती है तो उसके पास कोई बैग नहीं है। ऐसे में पुलिस को शक है कि इसी महिला ने मॉल के भीतर इस पैसे को रखा हो, लिहाजा पुलिस इस महिला की तलाश कर रही है।